यूपी की विधानसभा की ये तस्वीरें रोचक हैं। राजधानी में सोमवार को विधायकों के शपथ समारोह के वक्त सदन में तमाम लोग बैठे हुए हैं। सत्ता पक्ष में योगी आदित्यनाथ, सुरेश खन्ना, ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य। दूसरी ओर अखिलेश यादव प्रतिपक्ष का हिस्सा हैं, उनके साथ तमाम विपक्षी नेता भी सदन में बैठे हुए हैं। ये मौका विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह का है, लेकिन इसकी दो तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजनीति की खबर बन गई हैं। पहली तस्वीर योगी आदित्यनाथ की है, जिसमें वो अपने शपथ ग्रहण समारोह के बाद चेयर से उतरे तो अखिलेश यादव ने उनकी तरफ बढ़कर हाथ मिलाया। ये वही दो नेता थे जो चुनाव के वक्त एक दूसरे पर तमाम आरोप, तमाम बयान और तमाम तरीके के सवाल उठाते रहे थे। लेकिन दूसरी तस्वीर और भी खास बन गई जब खुद शपथ लेने जा रहे अखिलेश यादव ने दूसरे लोगों का अभिवादन किया। दरअसल अखिलेश यादव ने करहल के विधायक के रूप में शपथ ली और चेयर के पास पहुंचने से पहले एक अलग अंदाज में दिखे। अखिलेश अपनी सीट से उठे, तमाम सदस्यों को प्रणाम किया, लेकिन जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पास पहुंचे तो उनकी तरफ हाथ मिलाकर उनसे कुछ बात कही। ये तस्वीर अब चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग ये कह रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने सबको सिर्फ नमस्कार किया तो केशव मौर्य की तरफ हाथ क्यों बढ़ाया, क्या बात हुई। लेकिन ये सब विधानसभा की कार्रवाई का हिस्सा नहीं, राजनीति में ये तस्वीरें सिर्फ चर्चा का विषय बनती हैं। बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य इस बार विधानसभा का चुनाव लड़े जरूर, लेकिन हार गए। उनके सामने अपना दल कामेरावादी के नेता पल्लवी पटेल चुनाव जीत कर सदन में पहुंची हैं। वहीं अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ इस बार पहली बार विधानसभा के सदस्य बने हैं और सभी ने सोमवार को अपने पद की शपथ ली है।